या देवता। सेठ धनपाल धारा नगरी के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। सत्यनिष्ठ होने के कारण उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि सभी व्यक्ति उनको दिल से चाहते थे। उनकी दुकान पर रात दिन भीड़ लगी रहती थी। धनपाल को किसी आवश्यक कार्य से उज्जैनी जाना था। वह एकाकी घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मार्ग में जंगल पड़ता था। उस जंगल में क्रूर स्वभावी कालू सिंह नामक एक तस्कर रहता था। लोग उसके नाम से कांप जाते थे। दूर से सेठ को आते हुए देखकर कालू सिंह ने मार्ग रोका और गंभीर गर्जना करते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, बताओ तुम्हारे पास क्या है। सेठ ने अपने हाथ की छोटी सी लकड़ी चोर को देते हुए कहा, भाई इसमें चार अनमोल रत्न छिपा कर रखे है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु तुम्हें देने योग्य मेरे पास नहीं है। चोर ने लकड़ी को गहराई से देखा, पर उसे मालूम न हो सका कि इसमें रत्न कहाँ है। उसे लगा सेठ झूठ मूठ ही मुझे बना रहे हैं। फिर उसने गर्जना की, क्या आप मुझे भी ठगना चाहते हो। सेठ ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं कभी किसी को ठगता नहीं और न कभी झूठ बोलता हूँ। मैं जैन श्रावक हूँ, मेरा नाम धनपाल है। देखो इस लकड़ी में ये चार रत्न रखे हैं। सेठ ने लकड़ी को खोलकर बताया। चोर सेठ की सत्यनिष्ठा देखकर चकित हो गया। वह सेठ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारे जैसा साहसी और सत्यनिष्ठ श्रावक नहीं देखा। मुझे आपके रत्न नहीं चाहिए, यह लकड़ी भी आप ले जाइए, परंतु कृपा कर बताइए कि इस समय आप कहाँ जा रहे हैं। सेठ ने कहा, श्रीमान मैं उज्जैनी जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कोई आवश्यक कार्य है। चोर बोला, सेठ जी क्या आप मेरा भी एक कार्य करेंगे। आप उज्जैनी के राजा विक्रम को कहे कि चोर कालू सिंह आज से 3 दिन बाद दक्षिण के द्वार से रात के 12 बजे चोरी करने के लिए आएगा। राजा जो भी प्रबंध करना चाहे सहर्ष कर सकते हैं। सेठ ने कहा, मैं आपका संदेश महाराजा विक्रम को कह दूंगा। सेठ आनंद से उज्जैनी की ओर बढ़ा जा रहा था और मन में विचार उठ रहे थे कि आज मेरी सत्यनिष्ठा ने मुझे बचा लिया। यदि मैं धन के लोभ से मिथ्या बोलता तो चोर मुझे परेशान भी करता और करोड़ों की कीमत के ये रत्न भी ले लेता। साथ ही उसे चोर पर भी आश्चर्य हो रहा था कि यह भी बड़ा विचित्र स्वभाव का आदमी है जो राजा को पूर्व सूचित कर चोरी करना चाहता है। सेठ उज्जैनी पहुंचा, चोर का संदेश राजा को कहा। जिस रात्रि को चोर आने वाला था उस दिन राजा विक्रम ने कहा, अन्य किसी को आज पहरा देने की आवश्यकता नहीं है, आज नगर का पहरा स्वयं दूंगा। रात होने पर राजा ने चोर वेश बनाया और दक्षिण दिशा और द्वार था उसके बाहर जंगल में जाकर बैठ गया। आधी रात होते ही चोर कालू सिंह आया। रास्ते में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो। बैठे हुए व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए उज्जैनी में जाना चाहता हूँ, पर राजा के भय से जा नहीं पा रहा हूँ। कालू सिंह ने कहा, मित्र घबराओ मत, मेरे साथ चलो। जो भी मैं धन चुरा कर लाऊंगा उसमें से आधा हिस्सा तुझे भी दे दूंगा। वह कालू सिंह के पीछे पीछे चल दिया। कालू सिंह ने नगर में प्रवेश किया, पर कहीं पर भी आज पुलिस का पहरा नहीं था। कालू सिंह ने किसी सेठ की ऊंची हवेली देखी। साथ वाले व्यक्ति को वहीं पर बिठाकर वह हवेली में गया। 5 मिनट बाद ही वह पुनः खाली हाथ लौट आया। चोर वेशधारी राजा विक्रम ने पूछा, आप खाली हाथ कैसे लौट आए, क्या यहाँ पर कुछ भी धन आपको नहीं मिला अथवा घर वाले जागते थे। कालू सिंह कहने लगा, धन की क्या कमी थी, परंतु मैं हीरे पन्ने मानिक मोतियों के आभूषणों से भरी हुई पेटी उठा रहा था कि इतने में घर की सेठानी नींद में बड़बड़ाई कि कौन है भाई। जब उसने गहरी नींद में भी मुझे भाई कहा तब मैं बहन की संपत्ति किस प्रकार चोरी कर सकता था। मैंने पेटी वही रख दी और खाली हाथ ही चला आया। चलो अब हम किसी दूसरे सेठ के यहाँ जाकर चोरी करें। कालू सिंह ने किसी सेठ की उच्च अट्टालिका में प्रवेश किया। 10-15 मिनट के बाद पुनः वह खाली हाथ लौट आया। चोर वेशधारी राजा विक्रम ने कहा, आप तो इस समय भी खाली हाथ लौट आए, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे आप चोरी न कर सके। कालू सिंह ने कहा, मैं अशरफियों की पेटी लेकर आ ही रहा था कि मिश्री का ढेर समझकर एक डली मुंह में डाल ली कि प्यास न सताएगी, पर वह मिश्री नहीं नमक था। भूल से मैंने उसे मिश्री समझ लिया था। जिस घर का मैंने नमक खाया उस घर पर चोरी कैसे कर सकता हूँ। मैं चोर अवश्य हूँ परंतु नमक हराम नहीं। दोनों ही राजा विक्रम के खजाने में चोरी करने पहुंचे। चोर कालू सिंह 4 रत्नों के डिब्बे लेकर खजाने से बाहर आया। उसने 2 डिब्बे चोर वेशधारी विक्रम के हाथ में देना चाहा। इतने में उसके कानों में चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आई। वह ठगा सा खड़ा रह गया। वह आँख फाड़कर दूसरे साथी चोर को देखने लगा। चोर वेशधारी विक्रम ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, तुम्हारे चेहरे पर अकस्मात परिवर्तन कैसे आ गया। उसने कहा, राजन मैं पक्षियों की बोली समझता हूँ। इस चिड़िया ने कहा है कि चोर के साथ चोर के वेश में स्वयं राजा विक्रम है। मुझे पता नहीं था, मैंने अपने मित्र के यहाँ चोरी की। इसी का मुझे विचार आ रहा है कि मैं मित्रद्रोही हो गया।
राजा विक्रम ने चोर कालू सिंह को गले लगाया और कहा, कालू सिंह तुम चोर होते हुए भी देवता हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः आज से तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। दोनों के आनंद अश्रु छलक गए। जय आनंद।